दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हाँ जी, तो आज से एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है और आज का जो ट्रैवल होने वाला है वो मेरे लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रैवल होने वाला है। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आज बहुत ही स्पेशल ट्रेन से ट्रैवल करने जा रहा हूँ। और आज की कहानी थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी स्पेशल ट्रेन कौन सी होने वाली है। मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हो, ये ट्रेन थी मेरे फर्स्ट ट्रैवल की ये ईयर की, जो मैंने फरवरी में की थी मुंबई टू अमृतसर की। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा बाय चांस, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। ये है गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस जिससे हम लोगों ने ट्रैवल किया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। बट अभी के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, जैसे मैंने बताया। तो जब वो लग जाएगी स्टेशन पर तो हम आपको अपडेट करेंगे कि वो स्पेशल ट्रेन कौन सी। बाकी एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटीफुल सफ़र, और आज का सफ़र बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है स्पेशल ट्रेन के साथ। बहुत ज़्यादा स्पेशल बोल दिया, तो स्पेशल ट्रेन लग जाए स्टेशन पे तो उनसे हम रूबरू कराते। बाकी सोलो ट्रैवल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, कहानी देखते जाओ मजा आएगा। हमारी स्पेशल ट्रेन लग चुकी है एंड फाइनली वी गॉट आवर सीट। तो अब इस विंडो सीट से हम खूबसूरत नज़ारे के मज़े लेंगे और इस सफ़र में आपको भी उस नज़ारे के मज़े देते जाएंगे। हम हैं अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली जा रही है फ्रॉम मुंबई सेंट्रल। तो ये है सफ़र की शुरुआत, बाकी बने रहिए क्योंकि ये सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सफ़र चालू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हो तो किसी को सी ऑफ करने आ रहे हो तो ट्रेन के अंदर ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो डोर्स है वो ऑटोमेटेड है, विच इज़ लाइक दिस। तो अगर आप लोग अंदर रहते तो या तो अगले स्टेशन या तो जब भी ये ट्रेन का डोर खुलेगा तब आपको उतर मिलेगा। तो बस ये थी स्पेशल ट्रेन की कहानी कि यहाँ के डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक होते हैं, ऑटोमेटिक ओपन होते जब स्टेशन आ जाता है। तो किसी को सी ऑफ करने आ रहे हो तो बाहर से ही बाय बाय कहिए, क्योंकि एक बार डोर लॉक हो गया तो आप अंदर अटक जाएंगे और इसका अगला स्टेशन बहुत दूर दूर है भाई। हाँ, जरा संभाल के सी ऑफ करना, ठीक है। बाकी चलो सफर चालू करते हैं। To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Ooh, oh, oh, you hear a jubilee. जी, तो अभी बज रहे रात के 8 और अभी हम पहुंच गए सूरत। इसके पहले जो आप लोगों ने व्यू देखा था वो था महाराष्ट्र का आउटस्कर्ट, तो बहुत ही प्यारा था। बात करो इस ट्रेन की सर्विस की, तो जैसे मुंबई क्रॉस करती है ट्रेन तो आपको स्नैक्स मिल जाता है, इवनिंग स्नैक्स जो आपके टिकट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, एंड आपके टिकट प्राइस के अंदर डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है जो आपको मिल जाएगा। बाकी सर्विस बहुत जबरदस्त है। सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी को सी ऑफ करने आ रहे हो तो इस डोर के भारी रहिए, क्योंकि ये डोर एक बार बंद हो गया तो आप इसके अगले स्टेशन पे उतर पाओगे और इस ट्रेन के स्टेशन बहुत दूर दूर है, बस इस चीज का ध्यान दीजिए। मैंने सूरत से IRCTC से डिनर ऑर्डर किया था, बाकी मेरे टिकट के अंदर मेरा डिनर इंक्लूडेड था, बट मैं चाहता था कि IRCTC से मैं ऑर्डर करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया था
तो मैंने फर्स्ट टाइम IRCTC से डिनर ऑर्डर किया था, वो जो टेस्ट मुझे मिला था वो काफी जबरदस्त था, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। बट आपको इस ट्रेन में डिनर मिल जाएगा क्योंकि आपकी वो टिकट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी अब अंधेरा हो चुका है तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, तो हम डायरेक्ट सुबह मिलेंगे मथुरा के बाद, क्योंकि मथुरा के बाद जो व्यूज आपको देखने मिलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। और मिलते हैं आपको डायरेक्ट निजामुद्दीन से, क्योंकि निजामुद्दीन के बाद हम किधर और भी जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में हम नहीं वेट कर रहे। तो न्यू दिल्ली के बाद हम कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको ये सफर जरा हमें बताइए। बाकी जी, तो आज इस सफर का डे टू है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम पहुंच गए हैं मथुरा। बात करूं कल की, तो जब हम इस ट्रेन पे चढ़े थे तो मुंबई का जो मौसम था वो रेड अलर्ट पे था, और अभी जब हम मथुरा पहुंचे हैं तो बारिश का बूंद भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, धूप ही धूप है। बाकी सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और सफ़र में हमारे कुछ नए दोस्त बन गए, उसके पहले मेरा मोबाइल गिर गया। हमारे सफ़र में हमारे साथ शुभम भैया, और अगर आप इनको नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ सेलिब्रिटी आज रहे। आपने वो मीम देखा है, गजब बेइज्जती है सर, एक बार बोल देना सर, एक बार बोल दो सर, पैसे लेता हूँ, एक बार बोल दो सर, थोड़ा। अच्छा, तो ये वही बंदे हैं जिनका मीम आप बहुत जगह पे देख रहे हो, गजब बेइज्जती है, ये वही है आज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे। तो हमारे जो ट्रैवल जर्नी है वो थोड़ी सेलिब्रिटी टाइप हो गई, तो अब हम पैसे लेंगे आप लोग से भी मिलने के लिए, सेलिब्रिटी हमारे साथ भाई है। दे देना ना, मेरे पास तो पहुंच जाएंगे अकाउंट पे, इसकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी। और हमारे शुभम भाई से वो क्या डील हो गई कि आईटी, मेरा नाम शांतन मेरे घर से, तो मैं इनसे आज डील कर रहा था कि हम अब जब दिल्ली आएंगे तो आईटी नेक्स्ट व्लॉग आईटी दिल्ली का। तो चलो अलविदा लेते, तो सब सेट हो गए, अब हम दिल्ली मिलते हैं, क्योंकि आगे की जर्नी भी आपको बतानी, दिल्ली के आगे हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सस्पेंस खेलिए। ये जो आप देख रहे हो ये न्यू दिल्ली की लोकल ट्रेन ऐसी होती है, और हम अभी है निजामुद्दीन। आप अभी तक जो सफ़र देख रहे थे वो था तेजस एक्सप्रेस के साथ हमारा, अभी जो हमारा सफ़र होने वाला है वो है सचखंड एक्सप्रेस से। हम जा रहे हैं हमारे नेटिव प्लेस अम्बाला, और अभी जो आप नज़ारे देखने वाले हैं वो दरवाजे के बाहर से देखोगे, क्योंकि अभी हमें मौका मिलेगा कि थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ हम आपको ट्रेन के बाहर से दिखाए, ट्रेन का व्यू दिखाए। तेजस एक्सप्रेस में ऐसा नहीं था, तेजस एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक डोर्स थे, तो हम नज़ारे जो बाहर के थे वो आपको दिखा नहीं पा रहे थे। जो ट्रेन के मज़े आप जो आप देखोगे वो होगे हरियाणा पंजाब अम्बाला के। तो हमारा जो अगला स्टॉप होने वाला है वो मेरा नेटिव प्लेस अम्बाला, तो ज़रा बने रहिए, सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 11 बजे की ट्रेन है और हमें पहुंचा देगी वो अम्बाला अराउंड 2:30, तो मतलब 2.5 घंटे के 3 घंटे का सफ़र होने वाला है, मज़ा बहुत आने वाला है। मिलते हैं आपसे ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के बाहर का व्यू साथ में लेके आते हैं।
पहुंच गए हैं अंबाला, हमारे डेस्टिनेशन पे। और आज की जो ये कहानी है इसे यहीं पे समाप्त करते, ट्रेन जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आपको मेरे नेटिव प्लेस से थोड़ा रूबरू कराऊंगा, बट उसके लिए आपको अगले कहानी में आना पड़ेगा। आज की कहानी के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी तो ज़रा चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बाकी सब बढ़िया, अभी हम ज़रा घर पहुंच जाते, थोड़ा नहा वहा लेते क्योंकि बहुत बहुत पसीने से लथपथ हो चुके। और एक चीज़ तो है, मुंबई हमें बारिश के साथ छोड़ रही थी, अंबाला आते आते ऐसा लग रहा है गर्मी का सीज़न चालू हो गया, इतनी दर्दनाक गर्मी है। बाकी आगे की कहानी आगे की वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।